छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2009 में बालकों के पवेलियन ने अपनी बेहतरीन साज सज्जा और प्रस्तुति से बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। नई राजधानी क्षेत्र में निर्माणाधीन वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र का मॉडल जहाँ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं टेलीविजन, स्वचलित पोस्टर और बड़े आकार के होर्डिंग के माध्यम से आगंतुकों को बालकों के एल्युमिनियम उत्पादनों, उत्पादन की प्रक्रिया तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनेक परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बालकों के पेवेलियन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ममता परियोजना, पेयजल उत्कर्ष परियोजना, पर्यटन विकास, वेदांत ग्रामीण चिकित्सालय, आदर्श ग्राम विकास, प्रौढ़ शिक्षा एवं उन्नयन परियोजना और चाइल्ड केयर सेंटर जैसी अनेक गतिविधियों से दर्शकों को अवगत कराया गया। बालकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दल दर्शकों की बालकों से संबंधित अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए पेवेलियन में मुस्तैद रहा। बालकों निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा उद्यम है और जो कि हमारे साथ साथ और अन्य प्रदेशों के निवासियों के लिए भी एक रोजगार बहुत बड़ा केंद्र है और हमारे लिए भी है और छत्तीसगढ़ का गौरव कह सकता हूँ मैं उसको। इसने छत्तीसगढ़ को पूरे इंडिया में पहचान दी है, पूरे भारत में पहचान दी है और बहुत ही अच्छा उद्यम है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये क्या कहा जाए कि अग्रणी संस्थाओं में से एक है, अग्रणी उद्यम है। ये वेदांत चिकित्सालय जो कैंसर परियोजना भी आप शुरू करने वाले हैं बहुत ही अच्छी और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के आसपास के और राज्यों के लिए जो जहाँ के निवासी अब कैंसर तो लगभग कॉमन बीमारी हो गई है आजकल और जो हमारे जनरली हमारे छत्तीसगढ़ उड़ीसा के निवासी जैसे पूंजीपति तो है नहीं, उनको अपने ही पास जैसे रायपुर राजधानी में बनने वाली है ये प्रोजेक्ट तो अपने ही पास उनको एक बहुत ही अच्छी संस्था मिलेगी, इलाज भी बहुत बेहतर मिलेगा ऐसी उम्मीद है भाई। जिस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है तो मैं समझता हूँ कि कैंसर से संबंधित और अन्य बीमारियों से भी संबंधित सभी प्रकार के जो आधुनिक उपकरण हैं अत्याधुनिक उपकरण वो हमारे यहाँ रायपुर में उपलब्ध रहेंगे और हमको बहुत बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। और इस राज्योत्सव में आकर आपका जो ये स्टॉल है बहुत ही सुंदर सही तरीके से और प्रचारित कर रहा है बालकों प्रबंधन को, बालकों से संबंधित सभी प्रकार के उत्पादों को और जो उनसे मिलने वाली हमको सुविधाएं हैं या हम कह सकें कि जिससे हमारा जीवन इन उत्पादों से हमारा जीवन जो सुचारू रूप से चल रहा है या चलेगा या ये जो आपका कैंसर संस्थान है ये इन सब के लिए हम बालकों प्रबंधन को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। सभी स्टॉल भ्रमण के दौरान मैं इस स्टॉल में भी आया, मेरे स्टॉल जो है थोड़ा अलग हटके लगा। आमतौर पर जो जितने इस तरह के जो प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनली इस्टेब्लिश किए जाते हैं इस तरह के, लेकिन ये जान के बहुत अच्छा लगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रही है। तो मैंने अभी आपका ये स्टॉल घुमा उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इसमें वर्ल्ड लेवल की वर्ल्ड क्लास की एमिनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेदांता कैंसर हॉस्पिटल। इसका ड्राइंग डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो कि रेनाउंड आर्किटेक्ट कमल मलिक द्वारा किया गया है एंड आई अप्रिशिएट द प्रोजेक्ट एंड आई होप इट विल कम वेरी सून एंड इट विल कैटर लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल एंड होप कि ये हमारे रायपुर और इन एंड अराउंड स्टेट्स को कैटर करें। सर वैसे जो बालको है वो यहाँ की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी और इकलौती एल्युमिनियम कंपनी है, एल्युमिनियम प्लांट है और इन्होंने जो हॉस्पिटल के लिए जो ट्राई किया है जो हॉस्पिटल खोलने वाले हैं बालको का कैंसर हॉस्पिटल, तो उससे शायद छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कोई एकदम स्पेशलिस्ट वाला कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जिसकी वजह से एक तो इनिशियल स्टेज में कैंसर की डायग्नोसिस नहीं हो पाती है जिसके लिए लोगों को बॉम्बे या दिल्ली या चेन्नई यहाँ जब सब जाना पड़ता है, तो अगर इस जगह पे उसका इनिशियल डायग्नोसिस बन जाएगा तो लोगों को शायद उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी गुड बालकोस की अप्रोच जो है विलेजेस में इन कंपेरिजन टू जो टाउन्स में है वो तो है ही है, विलेजेस में जो उसके डेवलपमेंट से उसको जो अप्रोचेस हैं दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ अ मोर अप्रिशिएबल। नॉट ओनली जैसे कोरबा क्यों नियर बाई जो कोरबा है ओनली जब पहले ये एक छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से या एमएससीबी के नाम से जाना जाता था, इट इज़ अ नाउ कन्वर्टेड टू बालको आल्सो, बालको के नाम से जैसे छत्तीसगढ़ बिलासपुर
एमपी का मतलब छत्तीसगढ़ का मेन हब क्या है, दैट इज़ अ बालको। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द फॉर डेवलपिंग आवर कंट्री एज वेल एज आवर स्टेट ऑल्सो। एंड Vedanta is very growing company and very good for giving careers opportunity to all the newcomers, engineers.